हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मटर मशरूम की मसालेदार सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जी बनाना। हमने यहाँ पर 250 ग्राम मशरूम लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के प्याज रफली चॉप कर लिया है। ये फ्रोजन मटर लिया है आधा कटोरी। एक टमाटर रफली चॉप कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 3-4 हरी मिर्च। 6-7 लहसुन की कलियां। तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेंगे लुक वार्म वाटर में। चलिए हम मशरूम को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। फ्रेंड, मशरूम में बहुत सारे फायदे होते हैं। दिल के लिए भी फायदेमंद है। फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं। हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मशरूम कैंसर से भी बचाता है, मोटापा को भी कम करता है। चलिए अब हम कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ये ऑयल मेरा गर्म हो गया है। मस्टर्ड ऑयल को हाई फ्लेम पर ही हीट करना चाहिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे हींग डाला है थोड़ा सा, और ये जीरा है आधी चम्मच। इसको हम चटकने देंगे। फिर हम प्याज जो हमने रफली चॉप किया था वो प्याज हम इसमें डालेंगे। अच्छे से इसको हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। देखिए, जो हमने रफली काटा था, चॉप किया था, टमाटर डालेंगे। इसको भी अच्छे से थोड़ा गलने देंगे। और ये लहसुन की कलियां जो हमने 5-6 ली थी, हरी मिर्च, अदरक, सब चीजों को डाल के हम इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। बस हल्का सा ये नरम हो जाए, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए। ग्राइंड करने के लिए हमको इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। ये देखिए फ्रेंड, ये सॉफ्ट हो गया मेरा। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो चलिए हम अब मशरूम को काट लेते हैं। यहाँ हमने मशरूम को धुल के रखा था। अब हम इसको काट लेते हैं पीसेस में। आप अपने अनुसार छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। जैसे भी चाहें आप वैसा पीसेस आप तैयार कर सकते हैं। चलिए हम सारे मशरूम को अच्छे से काट लेते हैं। हमने इसको गर्म पानी में धुला था, हल्का गुनगुना पानी में, और हम इसको काट देंगे अच्छे से। सारे मशरूम को काट के ले लेंगे। मशरूम में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। ये मोटापे के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होती है। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारे मशरूम को अच्छे से काट लिया है। अब हम जो हमने मसाला तैयार किया था, ये हमने जो फ्राई किया था, इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। ये ठंडा हो गया है। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। फिर हम वापस गैस पे कढ़ाई रखते हैं और हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल मेरा गर्म हो गया है। हमने जो ये मसाले को ग्राइंड करके रखा था, इसको हम तेल में अच्छे से भुनेंगे। जब तक भुनेंगे, जब तक कि इसका तेल अलग और मसाला अलग ना हो जाए, तब तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे अच्छे से। ये देखिए, आपका फ्लेम मीडियम रहना चाहिए, हाई नहीं तो मसाले जल जाएंगे। और हम मसाले को चलाते रहेंगे। फिर हम इसमें ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच।
आधा चम्मच लाल मिर्ची डालना है। हमने हरी मिर्ची पहले भी डाली थी और आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हम ये काली मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए मसाला मेरा तैयार हो रहा है, ये देखिए फ्रेंड मसाला मेरा भुना गया है। ज़रा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। देखिए ज़रा सा पानी आप इसमें डाल लीजिए मसाले को भूनने के लिए और फिर अच्छे से चलाते हुए कलछी से इसको भूनिए। अब हम इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। हमने यहाँ हाफ टेबल स्पून नमक डाला है। इसको हम अच्छे से मसाले को हम 5-10 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे, 5-10 मिनट तक। देखिए मसाला मेरा भुन गया है। अब हम इसमें दही डालेंगे, 3-4 चम्मच ये मेरा दही है। दही डालने से फ्रेंड इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाएगा। एक बार आप इसको बना के ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपने सब्जी तो बनाई होगी मगर कभी दही नहीं डाला होगा मशरूम में, तो आप ज़रूर डाल के देखिएगा फ्रेंड कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए हमारा मसाला भुन गया है। अब हम इसमें फ्रोजन मटर जो हमने लिया था, इस समय गर्मियों के मौसम में तो मटर नहीं मिलते हैं, तो हमने फ्रोजन मटर लिया है। ठंडियों में तो मटर मिलते रहते हैं और ये हम गरम मसाला डालना है, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला है ये। अब हम इसको भी अच्छे से चला लेंगे, चलाते हुए हम 1-2 मिनट तक और इसको भुनेंगे। भुना गया है मेरा मसाला। अब हम इसमें सारे मशरूम जो हमने कट किए थे उसको हम इसमें ऐड करेंगे, सारे मसाले को, मसाले में मशरूम को ऐड करेंगे और इसको बराबर चलाएंगे अच्छे से। चलाते हुए हम पकाएंगे इसको। ये देखें हम 3-4 मिनट तक इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए कितना बढ़िया है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम की सब्जी। 3-4 मिनट पकाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम और ज़्यादा पानी डाल के हम फिर 5 मिनट तक और इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और इसको हम थोड़ा फ्लेम कम करके इसको हम ढक देंगे फिर हम 5 मिनट तक। ये देखिए हमने ढक दिया है, 5 मिनट हो गए। अब हम इसको देख लेते हैं कि मेरी सब्जी कैसी बन रही है। ये देखिए फ्रेंड सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। आप पानी इसमें, हमने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दिया था, आप अपने अनुसार पानी इसमें थोड़ा ही डालिएगा, इसमें आप अपने अनुसार पानी डालिएगा। तो चलिए फ्रेंड ये मेरा मशरूम खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और हम मशरूम को उतार देते हैं। ये देखिए मशरूम मेरा तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो खाइए और बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि मेरी मशरूम की सब्ज़ी कैसी लगी। और मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। मैं फिर आपके लिए नई रेसिपी लेके आऊँगी।